दिवाली का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली पर हमेशा कई सारे अलर्ट्स होते हैं क्योंकि आतंकियों की नजर भी देश की राजधानी पर होती है। ऐसे में पुलिस किस तरीके से, किस चुस्ती से काम कर रही है, पुलिस की क्या तैयारी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। सर, अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, दिवाली आने वाली है और ऐसे में हमेशा देखा जाता है कि दिल्ली हमेशा टारगेट पर होती है, बहुत सारे अलर्ट्स भी आपको मिलते हैं सुरक्षा एजेंसियों से, किस तरह की तैयारियां हैं सर और जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोविड को लेकर भी एक चिंता कहीं ना कहीं दिख रही है, बाजारों में बहुत भीड़ है, तो सिक्योरिटी और कोविड किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? दिल्ली देश की राजधानी है और चूंकि थ्रेट के इनपुट्स हैं उसको ध्यान में रख के सिक्योरिटी के तमाम उपाय किए गए हैं। हमारे ऑफिसर्स और जवान जो हैं उनको पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, एंटी टेररिस्ट मेजर्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया जाए और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर काबू रखा जाए ताकि जनता बहुत आसानी से मार्केट्स में जा सके या सेलिब्रेट कर सकें। त्यौहार के दरमियान डेफिनेटली सड़क पे और बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा होगी तो उनका सिक्योरिटी हमारा प्राइमरी कंसर्न है, साथ ही साथ पेंडेमिक की वजह से जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनको भी मेंटेन करना है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को, फोर्स को ये सूचना है कि सिक्योरिटी को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए और जो भी प्रोटोकॉल हैं कोविड के वो भी फॉलो कराए जाएँ। सर, इसके साथ ही अभी हाल ही में एक और जो चिंता है दिल्ली वालों की, जो दिल्ली के जितने तमाम बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, आपने भी अभी एक शुरुआत की, बैरिगेट्स हटाए, मैं खुद गया था गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर, पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिगेट्स हटाए हैं लेकिन किसानों के मंच और जो उनके टेंट लगे हुए हैं वो जब तक नहीं हटेंगे तब तक किस तरीके से ट्रैफिक खुलेगा, क्योंकि किसान नेता और राकेश टिकैत तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी टेंट और ये नहीं हटाए जाएंगे, तो रास्ता कैसे निकलेगा सर? ट्रैफिक तो जो बैरिकेड्स हैं उनके हटने के बाद धीमे धीमे शुरू हुआ है और जहाँ तक टेंट्स और मंच का सवाल है वो चूँकि यूपी में है, हमारे बॉर्डर्स के बाहर हैं, तो वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से धीमे धीमे वो चीज़ें भी सुलझ जाएंगी। टीकरी बॉर्डर पर सर हमने देखा कि कुछ बाइक, दोपहिया वाहन और एम्बुलेंस वहाँ से निकल रहे हैं, अब 5 फीट का रास्ता दिया है, पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से तो पूरा रास्ता साफ है, बैरिगेट्स हट गए हैं फ्लाईओवर के ऊपर, लेकिन सर जो 2 लेन है वहां से दिल्ली की तरफ रास्ता जब ही खुल पाएगा जब तक वो लोग मंच या टेंट हटाएंगे, तो कोई सकारात्मक आपको लग रहा है आने वाले वक्त में सर? बिल्कुल होगा, वन हैज टू बी पॉजिटिव, बिल्कुल होगा, शुरुआत हुई है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा इसका। सर, एक चीज़ और हमने देखा, दिल्ली वालों ने भी देखा, जब से आप आए हैं अब आप दिल्ली पुलिस की कमान आपने संभाली है तो महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, खासतौर पर 6 DCP डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई हैं, कई SHOs लगाई गई हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा सर और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उस पर रोकथाम में कितनी सहायता मिलेगी? दिल्ली पुलिस हमेशा से ही सजग रही है जहाँ तक महिलाओं के विरुद्ध में जो क्राइम होता है उसके बारे में, या बच्चों के लिए या फिर वीकर सेक्शंस के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और वही जो पुरानी तकनीक हैं, पुराने जो अप्रोचेज हैं उनको ही सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग फॉलो कर रहे हैं और तमाम अधिकारी चाहे फीमेल हों या मेल हों सभी को ये सूचना है कि इन सभी क्राइम्स पे, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन या जो बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या वीकर सेक्शंस हैं उनके बारे में संवेदनशील होके उन क्राइम्स को टैकल करें, हैंडल करें और एक ये मैसेज भेजें कि पुलिस इन सब चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव है और एज पर लॉ जो भी एक्शन हमें लेना है हम लोग लेंगे। सर, स्पेशल सेल को भी मजबूत और ज़्यादा मजबूत करने के कदम जो हैं वो दिखाई दिए हैं, कई और DCPs ने ज्वाइन किया, स्पेशल सेल और EOW ने हाल ही में काफ़ी बड़े रैकेट्स का भंडाफोड़ किया है, तिहाड़ जेल में जो कुछ चल रहा था, सुकेश चंद्रशेखर वाला केस सबने देखा किस तरीके से तिहाड़ के कई ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इन मामलों को लेकर किस तरीके से काम कर रही है पुलिस और EOW और स्पेशल सेल? सर, जो भी क्राइम होता है इसका इन्वेस्टिगेशन थरोली हो, बढ़िया हो, अच्छी चार्जशीट फाइल हो, ये तो प्राथमिक जवाबदारी है और जहाँ तक स्पेशल सेल को मजबूत करने का सवाल है तो भविष्य को ख्याल में रख के ये सारे कदम उठाए गए हैं। सर, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत सीरियस तरीके से इसमें की गई
आगे इसके अंदर सर और क्या इनपुट्स लग रहे हैं कि तिहाड़ जेल के कई ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एफआईआर इसमें हुई है, इस केस के अंदर सर कुछ बताना चाहेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि तिहाड़ से इतना बड़ा रैकेट ये कैसे चला रहा था, कई अभिनेत्रियों के नाम इसमें सामने आए जो फिलहाल ईडी भी हालांकि जिनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो हम चार्जशीट में बताएंगे, जब चार्जशीट फाइल होगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, उस समय आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश अस्थाना जी हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा जो है उसके मद्देनजर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है, साथ ही क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है बाजारों की स्थिति पर नजर रखी जाए इसको लेकर भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।